एवरीवन, इस वीडियो में हम 2:1 मल्टीप्लिकेशन का कैस्केडिंग करके 8:1 मल्टीप्लिकेशन का डिजाइन करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2:1 मल्टीप्लिकेशन का यूज करके यानी कैस्केडिंग करके 4:1 मल्टीप्लिकेशन के डिजाइन के बारे में बता दिया था। अब हम 8:1 के बारे में जानते हैं। देखते अब हमें कैस्केडिंग करना है 2:1 मल्टीप्लिकेशन का 8:1 के डिजाइन करने के लिए। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि अगर मैं लोअर मल्टीप्लिकेशन 2:1 का यूज कर रहा हूँ 8:1 मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए, तो हमें टोटल नंबर्स ऑफ लोअर मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए। ये कभी भी कैस्केडिंग का पहला सॉल्यूशन होता है कि कितने चाहिए, कि दो चाहिए, तीन चाहिए। इसके लिए मैंने आपको इससे पहले के दो वीडियो में आप पीछे जाएंगे तो वहां आपको इसके बारे में डिटेल में मैंने बता दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ कैस्केडिंग में। देखिएगा, तो पहले हम देखें अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास डिजाइन क्या करना है, डिजाइन करना है हमारे पास 8:1 मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या है, मल्टीप्लिकेशन 2:1, क्लियर है। अब मैं बेसिकली अगर मैं 8:1 की मल्टीप्लिकेशन को डिजाइन करूं वो इस तरह से होता है जिसमें आपके पास 8 इनपुट होने चाहिए और एक 8, ये लीजिएगा I0, I1, I2, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहाँ पे हमारे पास एक इनेबल इनपुट होता है जिसे स्टॉप पिन भी बोला जाता है, और ये मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास 8:1 का और आउटपुट देगा वाई। ये इसका मेन डायग्राम है 8:1 का, यानी जो ये मेन और 8:2 मल्टीप्लिकेशन काम करेगा और जो हम डिजाइन करेंगे 2:1 का, दोनों का फंक्शन सेम होना चाहिए। अब भाई डिजाइन करना है 8:1, अवेलेबल है 2:1, तो हमारा पहला काम है टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 2:1 मल्टीप्लिकेशन यानी लोअर मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि पहले वाले का इनपुट देखिए, हाइयर वाले का इनपुट 4 है, लोअर 2 है, तो ये कितना हो गया 4। फिर इस प्रोसेस को बदलते जाइए कब तक, जब तक कि आउटपुट लेस देन इक्वल टू 2 ना हो जाए। ये 2 हो गया, अब देखना 2:1, तो ये टोटल 2:2, तो ये कितना हो गया 1। तो ये फर्स्ट स्टेज में चाहिए 4 2:1, सेकेंड में 2 और थर्ड में हमारे पास 3 2:1 मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इससे हमें पता चल गया है, और ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मुझे 8:1 मल्टीप्लिकेशन को डिजाइन करना है तो 2:1 मल्टीप्लिकेशन कितने चाहिए। तो आप याद रखना 4 2 6 1 7, टोटल 7 लोअर मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब इसी के बेस पे हम डिजाइन करते हैं। पहले स्टेज में कितना है 4, ये देखो हम डाल लेते हैं 4 मल्टीप्लिकेशन, ये सारे 2:1 है, 2:1 मल्टीप्लिकेशन है सभी। और सेकेंड स्टेज में कितना चाहिए 2, तो 2 डाल दीजिए यहां पर, ये भी 2:1 है क्योंकि हमें डिजाइन ही 2:1 से करना, और ये हमारे पास 1 है 2:1 का। अब इनका 2 का इनपुट इसमें डालो, और इस 2 का इनपुट इसके साथ डालिए, इसका एक आउटपुट होगा, इसको इसके साथ डालिए, इसका एक आउटपुट होगा, इसे डालिए, ये इसका आउटपुट हो गया वाई, और यहां से आप सबके लिए 2-2 इनपुट डाल दीजिए। ये देखो I0, I1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, क्लियर है। अब यहां देख लीजिए कि इस केस में हमें पता है कि यहां पे हमें, अगर मैं इस केस में इसके स्टॉप पिन की बात करूं यानी सॉरी स्टेबल सिलेक्टर पिन की, तो हमें पता है 2:1 में टोटल 3 सिलेक्टर पिन होते हैं, 1, 2, 3, यानी S0, S1 और S2, ये कुछ होगा जिसे आप इसे MSB बोलते हैं, और ये वाला हमारे पास LSB होता है। अब देखना, अब इस केस में बात करें तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखें हाँ, कि इस केस में भी हमारे पास 3 स्टॉप पिन होने जरूरी है। कैसे, तो वो देख लेते हैं। देखें यहाँ पर एक पहले सीरीज में जो भी होता है इसके लिए हम S0 का इस्तेमाल करते हैं, ये सब को स्टॉप पिन को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये देखना ये सारे S0 होंगे, पहले स्टेज में जितने भी सिलेक्टर होंगे उन सब को एक साथ जोड़ दीजिए, ये S0 और S0, इन सब को बाहर कर लीजिए। ये देखना यहां से हमारे पास एक S0 बनके तैयार हो गया। सेकेंड स्टेज में आप दूसरा सिलेक्टर पिन लेंगे, इसे हम S1 मान लेते हैं, तो इसे भी आप बाहर कर लीजिए, ये हो गया S1। और थर्ड में आप तीसरा मान लीजिए S2, ये लो S2। अब ये पूरा कंबाइन को अगर मैं एक सिस्टम मान दूं, ये देखना इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिस्टम मान लीजिए, तो अब ये डिजाइन हो गया फुल्ली
मल्टीप्लीकेशन 8:1 की तरह अब ये वर्क करेगा, जिसमें से तीन चाहिए। अब देखना, ये हमारे पास देखने ना, मैंने इसको एलएसबी लिखा था, अब इसको एलएसबी लिखेंगे, ये हमारे पास एमएसबी होगा। क्लियर है? अब जो फंक्शन इसके लिए वैलिड है वही फंक्शन ये भी शो आउट करेगा। तो यही चीजें हमारे पास डिजाइन हो जाता है कैसे 2:1 का यूज हम 8:1 मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं। अब इसके फंक्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या जो इनपुट के लिए यह आउटपुट देता है उसी इनपुट के लिए यह आउटपुट सेम है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है यानी हमारा डिजाइन और इसका वर्किंग प्रोसेस गलत है। तो ये हम चेक कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। हमें पता है कि 8:1 मल्टीप्लीकेशन का ट्रुथ टेबल मैंने बता रखा है आपको प्रीवियस वीडियो में, मैं यहां पर भी बना देता हूं। ये हमारा आउटपुट S1 S2 जीरो 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 यही आउटपुट होगा, और इसके लिए हमारे पास इनपुट क्या था 8:1 मल्टीप्लीकेशन के लिए, यही ट्रुथ टेबल है 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये कुछ है। अब पहले हम इसके वर्किंग प्रोसेस को समझ लेते हैं कि जो हमने डिजाइन किया है 8:1 मल्टीप्लीकेशन का बाय यूजिंग 2:1 मल्टीप्लीकेशन का, तो दोनों का फंक्शन सेम है या नहीं, इसका इनपुट दोनों का इनपुट सेम आता है या नहीं। हम कोई भी ले लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं इस वाले को। इसके अकॉर्डिंग कहता है अगर तीनों वैल्यू हमारे पास जीरो है, ये देखना, अगर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो इस केस में इनपुट क्या आता है हमारे पास I0। तो यानी इस केस में हमारे पास इनपुट आएगा I0 का, ये हमारा 8:1 मल्टीप्लीकेशन कहता है। अब इसी वैल्यू के लिए जो हमने डिजाइन किया है यहां से भी क्या I0 वैल्यू आता है, अगर नहीं आता है तो यानी जो हमने डिजाइन किया है ये गलत है। हम इसे अब चेक करते हैं। देखिए यहां पर देखो, तीनों के लिए मैं 0-0 वैल्यू लेता हूँ, फिर दूसरा भी चेक कर लेंगे, ये कुछ है। इस केस में सबके लिए यहाँ पे S0 की वैल्यू 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि 2:1 में ये 0, 1, 0, 1 ये इसका वैल्यू होता है। इस केस में भी ये भी 0, 1, 2:1 मल्टीप्लीकेशन 0 और 1 दो ही वैल्यू तो है, यानी कि एस 0 है तो इसके लिए हमारे पास इनपुट क्या आएगा यहाँ पे निकल के I0। इस केस में चलेंगे तो यहाँ पे इनपुट क्या निकल के आएगा I2, क्योंकि 0 का वैल्यू ये है। इस केस में जाए तो I4 और इस केस में जाए तो I6। क्लियर है? क्योंकि 0 I6 में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहां से इनपुट क्या देगा ये देखना, यहां से I6 जाएगा, यहां से हमारे पास I4 जाएगा, या I2 जाएगा, यहां से I0 जाएगा। आगे चलें तो अभी यहां पे S1 भी 0 है, तो I0 और I2 में 0 किसका, I0 का, यानी यहां से कौन सा आउटपुट आएगा I0 का, यहां से कौन सा आउटपुट बाहर आएगा I4 का। फिर आगे चले तो फिर यहां पे S2 भी 0 है, यानी अब S2 0 है तो यहाँ इनपुट कौन सा लेगा 0 वाले वैल्यू का, यानी कि ये इनपुट देगा, ये इनपुट सॉरी ये इनपुट के टर्म्स में I0 लेंगे, I4 कैंसिल हो जाजाएगा, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा I0 सेम हो गया। जिस वैल्यू के लिए, जिस सेलेक्टर के लिए 8:1 मल्टीप्लेसर I0 की वैल्यू को शो कर रहा है आउटपुट, उसी वैल्यू के लिए ये जो हमने डिजाइन किया है यहां से भी तो वैल्यू हमारे पास I0 आ रहा है, यानी दोनों सेम है, दोनों का वर्किंग प्रोसेस सेम होता है, इसलिए तो हम कैस्केडिंग करते हैं, यहां से प्रूव हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं जैसे कि इसकी बात कर लेता हूं, ये देखना I5 का, यानी कहने का मतलब क्या है ये देख लीजिए, कहने का मतलब है कि S2 की वैल्यू मैं 1 ले लूं, S1 0 ले लेता हूं और S0 1 ले लेता हूं, इससे हमारा पास जो आउटपुट होता है ये आउटपुट हमारे पास I5 जाता है, ये 8:1 मल्टीप्लीकेशन कहता है। क्या इस वैल्यू के लिए ये डिजाइन आउटपुट देता है, हम इसे चेक करके देखते हैं। ये देखो, इन सारे हटा देता हूं मैं, देख लीजिए वहां पे I5 है तो ये भी I5 शो होना चाहिए। तो ये क्या हमारे पास S0 हमारे पास 1 है, S1 हमारे पास 0 है और S2 हमारे पास 1 है, ये कुछ है। चेक कीजिए इस केस को, देखिए यहां पर पहले वाले में अगर मैं बात करूं, ग्रीन से कर लेते हैं, S0 1 है तो यहां पे सबकी वैल्यू 1 1 के लिए रिगार्डिंग होगा हमारे पास 1 के सिलेक्टर के, यहां से क्या लेगा I1 यहां पे जाएगा, इस केस में I3 जाएगा, इस केस में जाएंगे I1 किसके लिए I5, यानी कि यहां से हमारे पास I5 जाएगा और इसके लिए I7 जाएगा S0 1 की वैल्यू के लिए। फिर S1 0 है तो यहां पे S1 0 है तो 0 के लिए कौन सा वैल्यू आएगा, ये वाला I1 पास होगा, इसके लिए चलेंगे तो I5 पास होगा। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि तो क्रॉस हो जाएगा, I7 1 पे है। आगे चले I0 और Y में, इसकी वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 किसका है I5, यानी कि ये क्रॉस हो जाएगा, यहां से हमारे पास आउटपुट I5 निकल के
सो हो जाएगा। तो बात बराबर हो गया। जिस वैल्यू के लिए 8:1 मल्टीप्लीकेशन आउटपुट i5 देता है, उसी वैल्यू के लिए जो हमने 2:1 मल्टीप्लीकेशन का डिजाइन किया है उसका भी वैल्यू सेम होता है। अभी ये कभी डिफरेंट नहीं हो सकता, इसलिए तो कैस्केडिंग का फंक्शन जो है एग्जैक्टली जो हमारे पास जिसका हम डिजाइन करना चाहते हैं उसके इक्वल होता है। तो ये मैंने आपको 2:1 मल्टीप्लीकेशन का यूज करके 8:1 का डिजाइन किस तरह से करते हैं ये बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4:1 मल्टीप्लीकेशन का कैस्केडिंग करके 8:1 तक बता दूंगा। उसके बाद फर्दर आप जो भी लोअर मल्टीप्लीकेशन का यूज करना चाहें हायर डिजाइन करने के लिए आप इजीली से कर सकते हैं। थैंक यू।